ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਚਪੇੜੇ ਹਏ ਚਪੇੜਾ ਛੱਡ ਚਪੇੜੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਸ ਕਦ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੇਜਾ ਹੋਗਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਚ ਵਾਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਦਰ ਕੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਤੀ ਹੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਤੀ ਹੋ ਰੱਬ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਖੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਪ ਚੜੇਗੀ वेलकम टू माय चैनल सिद्रास डायरी। मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ है सैयद अली हैदर और ड्रामा फितूर। इसके बाद बात करें, बहुत एक्साइटिंग एपिसोड। दिलनशीन बब्बर शेरनी बन गई है फाइनली। एग्जैक्टली, फाइनली फाइनली दिलनशीन में कॉन्फिडेंस आया है। उसकी बस हो गई। वो कितना मरता क्या ना करता, या तंग आमद बचंग आमद। आप जब किसी को दीवार से लगा देते हो ना, उसके पास फिर एक ही रास्ता होता है, वो फिर आपको रिटेलिएट करता है, मुड़ के बात करता। मतलब तंग आमद बचंग आमद मतलब होता है कि एक आदमी को अगर आप इतना तंग कर दोगे फिर वो जंग करेगा आपसे। ही विल फाइट बैक, शी इज फाइटिंग बैक फॉर हर राइट, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड व्हिच इज हर राइट। यस, देखिए मुझे इस एपिसोड में जो चीज अच्छी लगी ना, वो यहाँ पे अच्छी लगी कि वो गई, वो अपने घर गई। घर जाने एक दो तीन चीजें जिनसे मुझे इख्तिलाफ है, बाकी आई वॉज ओके। अब वो घर जा रही होती है अपने, वहाँ पे रास्ते में उसको मिल जाता है हमजा के घर के बाहर ही, उसको फोर्स करता है। आई बिलीव उसको हमजा की गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए था। जो हालांकि उसने कोई वो वाली बात है कि उसके साथ रोमांस नहीं किया बैठ के, तंग आ गई है बेसिकली। उसने उसको उसमें भी बैठ के यही बोला कि मैं अपने हस्बैंड से आई एम इन लव विद हिम, आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम। एंड मेबी शी थॉट इट्स द राइट अपॉर्चुनिटी टू टेल हिम एंड टॉक टू हिम। हो सकता है उसको दोबारा कभी टाइम ना मिलता, मौका ना मिलता उससे बात करने का, उसको कन्वे करना कि जस्ट बैक ऑफ, उससे मौके के तौर पे। लेकिन मैं अभी भी कहती हूं हां, क्योंकि देखिए इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा नहीं सॉरी भूल गए हम, कराची फितूर के हिसाब से बहुत छोटा शहर है। तो हो सकता है कि रिदा देख लेती, मैं मिल देख ली, उसकी अपनी सांस देख लेती। चाहे शोहर उसका इस्लामाबाद में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई देख नहीं सकता। बाकी सब घर वाले तो सारे दिन बाहर ही होते हैं ना। उसके अलावा उसकी अपने घर, उसका भाई देख लेता, जो कि वो तो फिर गला ही दबा देता ना उनको। तो फिर 100% पहले उसकी माँ उसको धक्के देती रहती कि तू इश्क में है अभी भी है वो। खैर वो एक स्टुपिडिटी थी, लेकिन एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि कोई रोमांस नहीं दिखाया उनका, वरना वो थोड़ा ना देखने में अजीब लगता। घर ड्रॉप करता है वहां पे, माँ फिर चुड़ैल लोग वाले तरीके से, बेटा तुमने ये क्या कर दिया, हाँ ये तुम वो। खैर उसको इस दफा ना वो अपनी माँ को भी कहती है कि यार बस कर दो, मेरी बस हो गई है, क्या हो गया, मेरी अम्मा हो गई क्या हो गया। यानी मैं बिलीव करती हूँ बच्चा कितना भी गलत हो ना, उसको ये होता है कि एटला उसको एक होप होती है कि मैं गलती करके भी अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा ना तो एटलीस्ट वो मुझे संभाल लेंगे। वो हर दफा उस उम्मीद से आई और हर दफा उसके घर वालों ने ना उसकी इंसल्ट ही की है। लेकिन इस दफा उसकी माँ उसको थोड़ा धीमे लहजे में समझाती है और सारा कुछ कि नहीं बेटा ठीक है, तुम हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, तुम्हारी भी मजबूरी है, ये वो। खैर जी घर गई और उसके बाद तो घर तो क्या ही गई पहले। लेकिन मुझे एक बात भी समझाए, अम्मा जी को जो उनकी सास है उनको क्या हो गया। मैं आपको, आप ये पॉइंट अपना रख लो, मैं उसके बाद आऊंगा आपके। यानी वो घर गई है पीछे आपका क्या। तो पिछले एपिसोड में आपने दिलनशीन का फोन चेक किया जो कि नहीं था, जो कि बहुत गलत चीज थी, जो कि आई बिलीव मैं पहले चाहे अपनी गेम खेल रही थी और उसको थोड़ा पंप कर रही थी, उन्हें मत सही देती है। उसने कहा कि भाई वो मेरा फोन नहीं चेक कर सकती थी, क्यों, क्योंकि तुम इतनी बेवकूफ और इतनी बुजदिल हो कि उसकी औकात हुई कि उसकी इतनी जरूरत हुई कि उसने तुम्हारा फोन चेक कर लिया। शी नो वन हैज अ राइट टू चेक योर फोन यार। जब वो देखे एक चीज तो इसमें कम्प्लीटली दिखाई है कि दिलनशी की जब से शादी हुई वो बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिंसेयर और बहुत लॉयल रही है अपने शोहर के साथ। उसने कभी भी कोई दो नंबरी नहीं की है। yes. तो उसके बाद ऐसे बंदे के साथ जब ज्यादती पे ज्यादती हो रही होती है ना, ट्रस्ट मी, जब किसी ने कुछ कोई गलत ना कर रहा ना और उसको हर कोई गलत कह रहा हो, फिर वो वाकई में सही फटता है। अच्छा वो फटी पता क्यों है, मैं अपना टेक दूं इस पे। हैदर तो बहुत मैमल के साथ जो कर रहा था वो तो बहुत पहले से कर रहा था। उस चीज होता ये था कि उसको कहीं ना कहीं आसरा था कि एटलीस्ट मेरी साथ, मेरे सास मेरे साथ साथ देगी। अच्छा, now then she knows that no one is there to fight for her. अब तो कोई है ही नहीं, है ही ना? She realized कि अब मुझे खुद fight करना है। And she's fighting. जवाब देती है आंटी को। बहुत। ओह हो मजा। अब वो सीन कितना मजे का था ना? कौन सा वाला? जहाँ पे जवाब देती है। जवाब, हाँ, exactly. अब मुझे गुस्सा क्या चढ़ा? आगे से आंटी के लिए
तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो भाई, इसी लहजे में बात, फोन आप उसका चेक कर रही है, ठीक है, उसने सही बोलती है, कहती इससे तो बेहतर था आप कुरान उठवा लेती, वंस एंड फॉर ऑल बात खत्म होती ना यार, ये क्या ड्रामेबाजी रोज की, मुझे आपने कटघरे में खड़ा किया होता, मैं अपनी माँ के घर गई हूँ तो पीछे से आप चेकिंग कर रही है, आ रही हूँ तो चेकिंग, यू आर द वन हु ब्रॉट मैमल बैक, हाँ उसने उनको भी सुनाई है कि भाई आप अपनी पुराने अपने बेटे की पुरानी आशिक को इधर ला के मेरे सामने रखा हुआ है, दिन रात में उसका मुंह तकती हूँ, सारे दिन आप मुझे आके समझाती, बेटा तुम ही हो जो करेगा, अपने अपने बच्चे को तो तुम कुछ नहीं समझाती हो, यानी इतनी बड़ी सारी उम्र का आप लोगों ने दिखाया हैदर को, तो ही हैज बीन एक्टिंग लाइक अ वेरी सेंसलेस मैन, यानी शुरू में हैदर वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, आई थॉट ही वाज सच अ काम एंड कंपोज्ड एंड सेंसिबल पर्सन, लेकिन भाई आगे जाके जो भी हम बात करेंगे, मुझे तो हैदर ना यहाँ से ना यूं करके ऐसे करके इवन यू नो मैंने अम्मा की कितनी तारीफ की थी, सास की कितनी तारीफ की थी, चलो सास की तो मुझे समझ लगी ना कि ठीक है घूम फिर के वो सास ही बन गई है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाना होता है, एग्जैक्टली हैदर का क्या दिमागी तवाज़ुन, एक तरफ चलो जी इस्लामाबाद में खैर फिर वो फोन करता है उसको, कहते हैं छोड़ो मैं तो तुमसे ना, यहाँ पे भी कह रहे हैं हाँ क्या हुआ मैं मुझे तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था भाई, उसने फाइल को जानबूझ के थोड़ी घुमाई थी और आप इतने सेंसिटिव हो, एक चीज मिल गई है तो बात रफा दफा करो, exactly. खैर वो इस तरह होता है, वो उसको बताता है कि जी आई एम कमिंग बैक, ये वो ये वो, बड़ी खुश होती है, सुबह आती है नीचे तो वो मैं मतलब दूसरी तो अपनी गेम डाल रही है, वो गुड कॉप प्ले कर रही है ताई के सामने भी और तो, हैदर के तो, सामने तो यार नहीं मैं हैरान हो गया देख के यार, अच्छा वो ताई अम्मी और महमल मतलब एक हंस-हंस के बातें और पता नहीं अली क्या, वो कितना इरिटेटिंग सीन था वो जो जिसमें वो कॉल आती है, हां एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट अम्मा महमल आ गई, महमल आ गई, वो महमल ये देखो हैदर, हां वो What was that? पहले यही मैमल थी जो आंटी को ना हवा के एक आग नहीं भाती थी और अब मैमल के साथ दोस्तियां और ये बड़ा अजीब सा दिखाया है, मुझे नहीं मुझे ये समझ नहीं कि एकदम से इतनी दोस्ती मैमल से क्यों हो गई है। उसके बाद जी जो टर्निंग पॉइंट था ना मेरे लिए वो था और जो कि अजीब भी चीज थी कि दिखाते हैं कि जी उसके लिए सुबह फूल आते हैं फॉर माई लव दिल नशी, भाई वो उसके माइंड में कहीं दूर दूर तक नहीं है कि उसको ये लगता है क्योंकि मेरा शौहर मुझसे नाराज हुआ था और आज वो घर वापस आए तो मुझे खुश करने के लिए उसे मुझे फूल भेजे, वो बेचारी बड़ी कोई खुश होती है क्यूट सी, वो जाके ऊपर त्यार श्यार हो गई इतनी वो अपनी तैयारी श्यारी करती है, इतने उसने बाल भी ऐसे करके पिन अप सारे फूल त्यार होके आती है, वो आती है हैदर साहब देख रहे हैं एक गुलदस्ता दूसरा तीसरा चौथा बड़े खुश होते हैं, हाँ उसको लग रहा होता है कि दिलनशी ने किया, उधर से अम्मा आके कहती हैं बेटा तुमने अगर भेजे थे तो तुम नाम लिख देते उस पे, तो ना हैदर भाई ने इधर देखा ना उधर देखा, वो तो दल नशे वो बेचारी आके अपना ड्रेस दिखा रही है, उसे कह रहे दल नशे वो नहीं लाइक सीरियसली एक चीज मुझे बताओ अली आप मुझे बताओ, चोर अगर चोरी करेगा तो क्या वो सामने चीज रख देगा, अगर कोई औरत मर्द बच्चा कोई भी गलती करता है फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या आप अगर किसी के साथ आपका सपोजिटली अफेयर चल रहा है किसी लड़की का या लड़के का और वो आपको कोई चीज़ भेजती है, आप इतने बेवकूफ़ हो कि आप सामने अपने जो आपका एट प्रेजेंट पार्टनर है उसके सामने रखोगे कि भाई तुम आओ और चेक करो और मुझे गालियाँ निकालो, एग्जैक्टली हैदर की सेंसिबिलिटी का वो 40-45 का आप लोगों ने दिखाया उस ड्रामे में, तो यहाँ पे आप ना उसके कैरेक्टर और उसकी सेंसिबिलिटी के साथ खुद ही उसको आपने बच्चा कर दिया एकदम, आपने उसको कहते हैं सबसे फनी मुझे लगा वो कहती है आपने मुझे भेजा पता नहीं भेजा, कहते हैं ये काम टीनेजर्स में अच्छा लगते हैं मेरी उम्र के चीज ये मेरी उम्र की चीज़ें नहीं है तुम्हारे, लाइक डूड सीरियसली फूल आप किसी को कभी किसी भी एज में 80-90 साल की उम्र के भी मियां बीवी एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, तुम तो एजेड हो ना वो तो उसके तो मान है ना तुम उसको तो करो यस, तो आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो, खैर वो उस पर तो फिर उसका तो उसको कहता है क्या तुम मिलती रही हो पीछे से बातें करती रही हो, उसके बाद तो जो दिल नशीबाजी फंसती है ना वो कहता इधर आ जरा तुम जितनी इज्जत औरत की होती है ना मर्द की भी उतनी इज्जत होती है, अगर मर्द भी दुनिया में दो नंबर या इस तरह कैरेक्टरलेस मशहूर हो कोई भी अपनी बेटी उसको नहीं देना चाहेगा, कोई अपनी बेटियां उस घर में नहीं भेजता, भेजता यार आप देखें जिस घर के अंदर उसके मर्द आवारा मशहूर हो हाँ, के महल्ले के रिश्तेदार अपनी
बेटियां माए बहन नहीं भेजते होते उसके घर। और सास का दिमाग देखो, हाँ हाँ भेजा होगा, समझा नहीं क्यों। बहुत क्या बात है ये। नहीं आपने सास को ना एकदम एक चंडाल बना दिया है। हैदर तो बेबी बन गया है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है, उसको तो हर चीज लगती है। दिलनशी तो पता नहीं कितनी कोई बेचारी, पता नहीं क्या दिलनशी के भी ना मेरे मुंह पे दिल करता है तो थप्पड़ लगाऊं। पहले से क्यों नहीं उसको तुन के रखा हुआ था कि भाई मैं पागल की बच्ची हूँ, तुम लोगों ने मुझसे कुरान उठवाने की कोशिश की, मैंने अब तुम्हें एक चीज बता दी है कि भाई था ही यूज टू लाइक मी, अब क्यों मेरी जिंदगी तुम लोगों ने अजाब की। और अगर इसके बाद भी दिलनशी वैसे ना जो नेक्स्ट एपिसोड में किया है ना हमजा ने, हमजा कह रही हूँ हैदर ने, मेरा दिल किया कि मैं उसका गला दबा दूँ। अच्छा आप अली फिर से वो दिखा रहे हैं चपेड़े, चपेड़ा चपेड़ दिखाते हो यार, मेरा ना दबा दें किधर हैदर से, हैदर ना है मेरा नहीं। लेकिन पता है क्या, ये चीज मैं पहले भी हमने एड्रेस की थी अपने पिछले भी एक दो रिव्यूज के अंदर, व्हाई आर यू प्रमोटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, डोंट डू दैट। अगर आप गलत होता है ना यार ऐसा, पर नहीं दिखाएं, नहीं दिखाएं, नहीं दिखाना चाहिए, ना दिखाएं, प्रमोट ना करें, प्रमोट नहीं करें ना। एक और चीज बहुत प्रमोट हो रही है वो इंशाल्लाह हमने बनाई है वीडियो, मैं उसमें भी बड़ी बड़ी जोर की बातें की हमने, वो भी आप देखिएगा। खैर मैं प्रोमो से थोड़ी इस चीज को लेकर ना खुश हूँ कि आपने उसमें फिर से थप्पड़ दिखाया। नहीं दिखाएं, नहीं प्रमोट करें, ये गलत लेसन है। आप लोग हर पता है आप लोगों से इंस्पायर होके ना, ये ड्रामों से इंस्पायर होके हमारी ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, जिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। उनको समझ नहीं है, उन चीज़ों को फिर अपने आप में अपनाते हैं और उन चीज को कॉपी करते हैं। exactly. और इस तरह की फिर वो टिकटॉक बनने लग पड़ते हैं। वो लड़की खड़ी हुई उसको वही वो डायलॉग थप्पड़ मारेगा, ये गलत है, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। सो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हमजा का और हैदर का आमना सामना होने वाला है बड़ी ठीक ठाक मारा कुटी। अब ना वैसे दिल नशीन को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हैदर वाकई ही मैमल को डिजर्व करता है। और मैमल शादी कर, मैं खुद कह रही हूँ हाँ। वो वाकई भी बंदा जो है ना तो प्यार करता है, चाहे वो स्टुपिड है, लेकिन आई डू नॉट अप्रूव ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन वो जेन्युइनली उससे मोहब्बत करता है। हैदर उसे कहता है कि तुम मेरे लिए कमिटमेंट हो। हाँ उसकी माँ ने कहा है, माँ ने कहा था कि वो तो तुम अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे है। एक तरफ तो कहती आ रही थी हैदर को तो तुम्हीं से प्यार है, तुम क्यों घबराती हो, दिलनशी क्यों घबराती हो, और अब तुम कह रही हो कमिटमेंट है। खैर माँ को तो मुझे बड़ी तप चढ़ेगी, और मैमल का तो आप खुद ही रास्ता साफ करें। तो चले जी अपना ख्याल रखे, देखिएगा आगे नेक्स्ट में क्या होता है। आई होप आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि दिलनशी अब क्या हैदर को छोड़ेगी कि वो इस रिश्ते को मजीद निभाएगी। लेट्स सी, फॉलो करते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, स्नैक पे फॉलो करें, प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज़।